हेलो सखियाँ, वेलकम टू माय चैनल सखी ब्यूटी पॉइंट। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी बच्ची का हेयर कट करने वाली हूँ। इसके बालों में मैं वेवी कट करूँगी। बच्ची बहुत ही छोटी है और सर को एक जगह रख नहीं पा रही है। ये सर बहुत हिला रही है। अभी देख रहे हैं आप इनके बाल कितने अनइवन से हैं। अब मैं इसको कटिंग करने वाली हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी बेबी कट है ये। छोटे बच्चे बहुत हिलते हैं तो कटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर मैंने इस बच्ची के कटिंग की आराम आराम से ही किए हैं। पीछे के बालों की सबसे पहले मैं नेप एरिया से थोड़ा सा गाइडलाइन लूँगी। इसके लिए मैंने बालों की थोड़ी सी पार्टिंग करी है और क्लिप लगाया है। बाल बहुत छोटे हैं पर मैंने आपको दिखाने के लिए क्लिप लगा कर कटिंग की है। दोनों तरफ के बालों को सेंटर पार्टिंग करते हुए दोनों तरफ के बालों को क्लिप से ऊपर की ओर मोड़ लेंगे और नीचे के बालों को यानी कि नेप एरिया के बालों को गाइडलाइन के लिए हम सबसे पहले कट करेंगे। छोटी सी बच्ची है इसलिए हिल बहुत रही है ये, तो थोड़ा सा मुझे आराम से इसकी कटिंग करनी है। ये अपनी मम्मा के गोद में बैठी हुई है और मैं इसके बाल काट रही हूँ। अब नीचे नेप एरिया के बालों को मैंने धीरे धीरे गाइडलाइन के तौर पे काट लिया है। अब इसी गाइडलाइन पे मैं पूरे बालों की कटिंग करूंगी। दोनों तरफ की क्लिप मैंने खोल लिए हैं और नीचे की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ऊपर के भी बालों को मैं कट करूंगी। बच्ची बार बार हिल रही है। मैंने इसके कटिंग करने के लिए इसके सर को पकड़ रखा है। पीछे की कटिंग मेरी लगभग हो गई है। अब मैं बाएं तरफ की कटिंग करूंगी। बाएं तरफ की कटिंग के लिए भी ऊपर के बालों को पिन से मोड़ लिया है मैंने पार्टिंग करते हुए, और नीचे के बालों को कान के साइड के बालों को पीछे की गाइडलाइन के साथ मिलाते हुए मैं कट करूंगी। इस कटिंग करने के लिए मैंने अपने हाथों के बालों को लेके काटा है क्योंकि छोटी सी बच्ची और बहुत हिल रही है, तो इसे आराम से काटना है, बच्ची को कहीं कैंची न लग जाए। कान के बालों को काटते हुए पीछे की गाइडलाइन से मिलाया है। पीछे की गाइडलाइन लेते हुए मैंने कानों के बाएं तरफ के कानों के बालों को काट लिया है। बाई तरफ की कटिंग पूरी हो गई है मेरी। अब मैं दाई तरफ की कटिंग करूंगी। इनकी मम्मी ने बोला है कि थोड़े से बाल कानों की तरफ और छोटे होने चाहिए, तो मैंने दोबारा से थोड़ी छोटी कटिंग करी है। अब दाई तरफ की कटिंग कर रही हूँ मैं। इधर भी थोड़ी सी पार्टिंग करके मैंने ऊपर मोड़ लिया है क्लिप से, और नीचे के बालों को बैक साइड की गाइडलाइन से लेते हुए मैं कट कर रही हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा। बच्ची सर बहुत हिला रही है तो मुझे डर लग रहा है कहीं से लग ना जाए, इसलिए मैं बहुत आराम से कटिंग कर रही हूँ। अब कानों की तरफ की कटिंग के समय एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों तरफ के कानों की कटिंग बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। बाल छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें। दोनों कानों की कटिंग बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। ऊपर की लेयर को की क्लिप हटा करके मैंने ऊपर की लेयर को भी पीछे के बालों से मिलाते हुए काट दिया है। अब थोड़े से बाल जो पीछे के रह गए हैं पूरा मैं अच्छे से सेट करते हुए काट रही हूँ। अब मैं फ्रंट की कटिंग करूंगी। फ्रंट की कटिंग के लिए बच्ची को आईज क्लोज करने के लिए मैं बोल रही हूँ, पर वो आईज क्लोज नहीं कर रही, तो मुझे आराम से काटना पड़ेगा क्योंकि आंखों में या मुंह में उसके बाल ना चला जाए। थोड़ी सी गाइडलाइन बना ली है मैंने। अब वो और बच्ची हिल ही रही है, थोड़ा सा बाल भी चला गया उसके मुंह में, लेकिन मैंने बड़े आराम से आगे की कटिंग कर दी है।
और अब ये हमारा बेबी कट कंप्लीट हो गया है। आपने इसके पहले के बाल देखे थे, बट अब इसको देखिए, बिल्कुल चेंज हो गई है ये। बैक के बालों को मैंने मोजर से क्लीन कर दिया है, और अब इसका फाइनल लुक आप देखिए, बेबी बिल्कुल चेंज हो गई है। और इसकी मम्मा बहुत खुश है इसकी कटिंग से, क्योंकि ये बहुत हिल रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।